हाँ तो गाइस, इस वीडियो में आपसे काइन मास्टर के कुछ हिडन ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, जिसको जानकर आपको वीडियो एडिटिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है। सो लेट्स बी। फर्स्ट ट्रिक है कि आपके स्क्रीन पे चार लेयर दिख रहे होंगे। अब इनमें से चार लेयर में से कौन सा लेयर हमें क्लिक करना है, जब आप वीडियो एडिटिंग करते होंगे तब आपके मन में डाउट आता होगा। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको, मैं एग्जांपल के लिए रेड वाले लेयर पे क्लिक करता हूँ एंड आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जोन सा लेयर है उसका नाम लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे रेड लेयर है तो मैं यहाँ पे रेड लिख लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना और आप यहाँ पे देख सकते हो रेड लिखा हुआ आ गया। इस ट्रिक को यूज करके आप पहचान सकते हो कि आपका लेयर कौन सा है और कहाँ पे लगाना है। ओके, तो हमारा सेकंड ट्रिक ये है कि जब आप अपनी किसी वीडियो को फास्ट मोड पे क्रिएट करते हो तो आपने एक बार नोटिस की होगी जो आपका साउंड होता है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो उसके लिए आपको ट्रिक है, जो आप अपनी वीडियो को फास्ट मोड पे क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हो तो आपको थोड़ा सा नीचे करना है और आपको यहाँ पे की पिच को ओपन कर लेना है, जिससे आपका साउंड बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपका साउंड बिल्कुल एग्जैक्टली रहेगा। यहाँ पे आ चुका मेरा थर्ड ट्रिक। थर्ड ट्रिक ये कि आपको लेयर वाले बटन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे से कोई एक स्क्रीन रिकॉर्डर ले लेनी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस ए वाला स्क्रीन रिकॉर्डर ले ले रहा हूँ। ले लेने के बाद आपको इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर से लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। ले लेने के बाद आपको इसको बड़ा करना है और आपको यहाँ पे ओपेसिटी पे जाना है और इसको थोड़ा ओपेसिटी कम करके आपको राइट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर लेना। तो गाइस क्रॉपिंग कर लेने के बाद आपको मास्क को इनेबल करना है और आपको यहाँ से अपने हिसाब से इसको कर लेना। ओके, तो कर लेने के बाद गाइस कुछ ऐसा लगेगा। अब आपको इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है आपको ओपेसिटी पे और आपको इसको फुल कर देनी है। कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ से इसको पीछे कर देना है सेंड टू बैक पे और यहाँ से कुछ ऐसा लगेगा। अब गाइस आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और फिर आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपको बेसिक इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके ब्लर पे क्लिक करके आपको इसके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। क्लिक करना है और यहाँ पे ओपेसिटी पर जाना है और आपको यहाँ से ओपेसिटी कम कर देनी है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ऑसम लग रहा है। और अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जो आपने यहाँ पे सॉलिड कलर लिया था आपको ब्लैक कलर, आपको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देना है जिससे और भी ऑसम लगेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल मस्त लग रहा है। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।